हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए दही बड़े बनाऊंगी। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने ली है उड़द की दाल। इसे मैंने कल रात में भिगो के रख दिया था, सुबह में अच्छी तरह से साफ कर लिया है मैंने। ये लिया है जीरा आधा चम्मच, ये है भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, ये है लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, नमक और ये थोड़ी सी चीनी, और ये है दही। दही में थोड़ी सी चीनी चीनी और आधी चम्मच नमक डाल के इसे मैं मिला करके दही को चीनी और नमक मिलाकर मैं अच्छी तरह से फेंट के इसे रख दूंगी। उड़द के दाल को हमें अच्छी तरह से उड़द को मैं अच्छी तरह से पीस लूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने एकदम महीन पीस लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने एकदम महीन पीस लिया है। पीस कर इसे मैंने निकाल लिया है। इसे इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। जीरा डालने से मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लिया, पीस लिया इसे मैंने। अब स्वाद के अनुसार इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से इसे मैं फेंटूंगी। गैस जला लिया है, तेज आंच में मैंने इसमें सरसों का तेल डालना है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं इसमें उड़द की छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। ये देखिए हमारी उड़द की ये बड़ी लाल हो चुकी है, इसे मैं निकाल लूंगी। निकाल के इसे मुझे थोड़ा सा पानी में रख देना होगा। फ्रेंड्स, इसे मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। गर्म पानी में मैंने इसे भिगो दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाए। गरम पानी में मैंने इसे डुबो के रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाए। इसे मैं 5 मिनट के लिए
दही में भी भिगो के रखूंगी। उसके बाद इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, भुना हुआ जीरा डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। क्या बोल, कैसे शुरू से बोल। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।